देख फ्रैंकलिन, मैं तुझे अपना पड़ोसी मानता हूँ, इसलिए मैं तेरा अच्छा सलाह दे रहा हूँ। तू चुपचाप ना मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा। तेरे जैसा पिद्दी सकल मैं नहीं देखना चाहता। तेरा जो बिजनेस है वो भी बंद कर दे। शर्मा जी, लगता है ना आप थोड़ा सटिया गए हो। आपका दिमाग का कुछ इलाज फिलाज करवाओ यार। भाई मेरा एक दोस्त है ना, वो ना जर्मन का डॉक्टर है, जानवर का डॉक्टर, उसका आई थिंक आपसे कॉन्टेक्ट कर दो तो अच्छा होगा। भाई आपका पूरा दिमाग सटिया गया है, आप क्या बोल रहे हो? मैं बोलना चाहता हूँ भाई, देख मैं तेरे घर के सामने कचरा काटता हूँ, तू इधर है ही कचरा। अरे पागल हो गया? अरे यार क्या चल रहा है? अरे इतना जोर जोर से फ्रैंकलिन भैया रही है, चिल्ला के और पहले लग गया। अरे प्रागीन भैया कलेश हो चुका है। अरे प्रागीन भैया कहाँ पे चल गए? ठंडा पानी आ रहा है चार का। अरे यार ठंडे के टाइम पूल में क्यों पीड़ा देता भाई? यार ऊपर से दो दिन नहीं नहाया था, आज नहा लिया। अरे क्या बात है सिंचन यार। अरे वहाँ पे कस्टमर आया प्रागीन भैया, एक लड़का एक लड़की है, चलो फटाफट चलो फटाफट प्रागीन भैया, दो कस्टमर नहीं तो चले जाएंगे यार, आपका ही लॉस हो जाएगा। अबे यार अभी बोल रहे हैं चल फटाफट चलते हैं। अरे यार गाइस सिंचन बोल रहा है दो कस्टमर नहीं यहाँ पे आया है, चलो गाइस बहुत अच्छी बात है, चलो देखते भाई कौन कौन है। अरे हट जाओ जाओ भाई, कस्टमर कहाँ पे? अरे अरे भाई मैं ही कस्टमर हूँ तुम्हारा। अरे अंकल सॉरी माफ कर देना। अरे यार क्या हुआ ब्यूटीफुल गर्ल? अरे मुझे ना तुमसे एक खतरनाक टाइप का गेमिंग चेयर खरीदना है, उसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे लिए थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हो क्या तुम? बुलाओ यार प्लीज, थोड़ा डिस्काउंट दे दो मेरे को। अरे यार ऐसा इस तरह देख, मेरे को भी एक गेमिंग चेयर चाहिए भाई, तू चेयर ना बहुत सस्ते में बेचता है सुना है भाई, चल मेरे को भी थोड़ा डिस्काउंट देख के चेयर दे दे भाई, मैं भी एक चेयर खरीदना चाहता हूँ, गेमिंग चेयर भाई मेरे को बहुत जरूरत है, मेरा बैट बैट में कमर में दर्द हो रहा है भाई, चल एक बढ़िया टाइप का गेमिंग चेयर दे दे। अरे सबसे पहले मेरे को तो ना, अरे उसके बाद उसमें थोड़ा डिस्काउंट भी दे देना यार फ्रैंकलिन डार्लिंग, आप थोड़ा दे ही सकते हो ना थोड़ा डिस्काउंट, उसके वजह से मैं खरीद सकता हूँ थोड़ा चेयर। अरे डार्लिंग कुछ तो करो, थोड़ा डिस्काउंट दे दो यार, थोड़ा तो, मैं इतना दूर से आया हूँ। अरे तेरे हद से भी हो, ऐसे मत बोलो, मेरे को शर्म आता है। ठीक है तुम्हारे लिए 95% डिस्काउंट। अरे 95 सिर्फ? अरे ठीक है तुम्हारे लिए 99% डिस्काउंट। अरे सिर्फ 99? अरे चलो फ्री ले चलो यार फ्री। ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन डार्लिंग। तो दोस्तों देखा है मैं कितना ज्यादा हैंडसम हुआ, सारे लड़के ना मेरे पीछे पूरा बावला हो चुके हैं, तो मैं इतना हैंडसम खूबसूरत लंबा चौड़ा जो बंदा हूँ इसलिए। अरे प्रागी भैया पागल हो चुके हैं, पूरा फ्री में क्यों दे रहा हूँ? अरे यार इतना अच्छी लड़की है भाई, मांग रही है तो दे ही दे दे, क्या होगा। अरे प्रागी भैया सच में कितना पागल हो भाई, पूरा दिन एक चांदी बेच भाई, ऊपर से फ्री में दे रहे हो, काय को दे रहे हो यार। अरे भैया आपको क्या चाहिए? अरे भाई मैं पूरा पैसे से चेयर खरीदने आया हूँ, उसके बदले तो कुछ नहीं देने वाला। अरे भाई तू नहीं यहाँ से चला जा, तू बड़े बसुरा थे। अरे साले पिंदी कहेंगे मैं पैसा दूंगा फिर भी चेयर नहीं देगा, वो लड़की फ्री में देगी फिर भी उसको दे रहा है, तू पागल है पूरा सटिया का। अरे मैं यहाँ से नहीं, मैं मम्मी को लेके आता हूँ, रुक जा। पिंदी कहेंगे तू साला मुझे सटिया गया है पूरा का पूरा। अरे अंकल अंकल भाई मेरे मम्मी को कॉल करो कॉल करो। अरे यार नहीं लग गया। अरे थैंक यू सो मच फ्रैंकलिन भैया। ठीक है फ्रैंकलिन भैया बाद में आएंगे। ओए भैया काई को बोल के जा रही है? हाँ फ्रैंकलिन भैया। अरे चलो मैं चलता हूँ, उसे पागल इंसान को अच्छा टोपी पहनवा दिया भाई, ज्यादा टर्निंग टर्निंग बोल के फ्री में चेयर लेके जा रहा हूँ मैं उससे ही, चलो मजा गया। अबे लगता है भाई वो बंदे लड़की ने भाई पूरा खतरनाक टोपी पहना के चला गया भाई, फ्री में उसको दे दिया मैंने क्यों? अरे प्रागी भैया तो मैं भी बोल रहा हूँ भाई, फ्री में क्यों दे रहे थे उसको? अरे क्या ही अच्छा लगा भाई, क्या ही भूत चढ़ गया था मेरे सर के ऊपर, जो इतना महंगा चेयर 10,000 रुपए का वो चेयर मैंने फ्री में दे दिया, ऊपर से गाइस चार चेयर बाकी था। अरे मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी क्या सिंचन? हाँ प्रागी भैया बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी यार। अरे यार अभी मेरे को गुस्सा आ रहा है गाइस, 10,000 रुपए का चेयर था और गाइस मैंने आज सोचा था ना उस पैसे से गाइस आज जो रेस हो रहा है ना एक हमारे लॉस सैंटोस में, उस रेस में शामिल होऊंगा। सो गाइस आपको थोड़ा बता देता हूँ रेस के बारे में। सो गाइस रेस होने वाला है, आपको पूरा 100 मीटर का स्विमिंग करना पड़ेगा, उसके बाद 10 मीटर का साइकिलिंग करना पड़ेगा, उसके बाद 10 मिनट भाई दौड़ना पड़ेगा। इसलिए गाइस देखो मैंने साइकिल को खरीदा है, इससे मैं थोड़ा ट्रेनिंग करता हूँ। सो गाइस आज ना वो रेस होने वाला है, चलो दोस्तों आपको भी मैं दिखाऊंगा वो रेस कब शुरू होने वाला है, कैसे शुरू होने वाला है और कौन कौन बंदा उसमें शामिल होने वाला है। चलो दोस्तों उससे पहले गाइस ये बताओ ये मेरे पास साइकिल कैसा है? ऑल ड्राइव। अरे प्रागी भैया फायदा ही है, आप तो आड़ी जाओगे भाई। ऐसे क्यों बोल रहा है?
सो दोस्तों देखो मेरे पास एक बढ़िया साइकिल है। और आप लोग सोच रहे गाइस ये कार बाइक है दोनों मेरा है। नहीं गाइस ये मेरा नहीं है, जो उसका बाइक है वो, अरे मैं हूँ फ्रैंकलिन का सौतेला भाई। मैं फ्रैंकलिन से बढ़िया अमीर हूँ, खूबसूरत हूँ, लेकिन गड़बड़ तो तब है, मेरा जो घर है ना वहाँ पे पार्किंग करने का जगह नहीं है, इसलिए फ्रैंकलिन के घर के सामने मैं पार्किंग करता हूँ। अरे आ गया तू फिर से? हाँ आ गया तो क्या हुआ बे? अरे ठीक है तू अपना बाइक लेके जा, कार लेके जा, मेरा क्या, मैं तो भाई ऐसे ही हूँ। हाँ अभी ऐसा चुपचाप रहना, ज्यादा बकबक करेगा तो कान के नीचे दूंगा। चलो मैं चलता हूँ। हाँ फिर मत यहाँ पे कार मत पार्क करियो। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बड़ा आया मेरे से धमकी देने वाला, चलो मैं घर चलता हूँ। अरे यार सो दोस्तों बोला ना उसके बारे में बात कर रहा था, और ये बाइक है ना वो उसका ही है, मेरा सौतेला भाई का। और ये सिर्फ साइकिल मैंने अपने दम पे खरीदा है, और इस घर पे मैं रेंट पे रहता हूँ। अरे प्रागिन भैया चलो। हाँ दोस्तों मैं आपको जो बता रहा था, आज बीच पे एक रेस होने वाला है, वो रेस को गाइस मैं जीत गया तो मेरे को मिलेगा बहुत पैसा, जिसकी मदद से गाइस मैं कार खरीद सकता हूँ, और मेरा जो सौतेला भाई उस पिद्दी को मैं औकात दिखाना चाहता हूँ। सो गाइस वो ना हमेशा फैमिली के सामने मेरे को बहुत ज़्यादा छोटा करता है, बोलता है भाई तू मेरा ही भाई हो के तू इतना गरीब कैसे हो सकता है। सो गाइस आज ना उसको मैं रेस जीत के दिखा दूंगा, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, मेरे पास पैसा है, कार है, सौलाद है, सब कुछ है। चलो दोस्त अभी मेरे को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अरे प्राची भैया उससे पहले आप एक चीज बताओ भाई, ये सारे बंदे आपको के सपोर्ट करेंगे जब रेस शुरू होगा? भाई मेरे को पता नहीं, लेकिन दोस्तों आप कर देना यार। ऑल राइट गाइस हम लोग आ चुके हैं रेस सेक्शन पे। सो गाइस यहाँ पे सारे बंदे ने अपना नाम लिखवा रहे हैं। सो गाइस मैं भी फटाफट चलता हूँ, मेरा नाम वहाँ पे लिखवा देता हूँ। आई होप उसके बाद रेस शुरू ही होने वाला है। चलो दोस्तों बहुत बढ़िया मजा आने वाला है। अरे ये रहा भैया, अरे भैया मेरा नाम है फ्रैंकलिन जॉनेट, मेरा पूरा नाम लिख देना, और मेरा जो रेस है खेलने वाला हूँ। चलो दोस्तों रेस शुरू होने वाला है, भागो। अरे अरे इतना जल्दी गाइस शुरू हो गया? अबे यार गाइस ये तो एकदम से शुरू हो गया, और मैं सबसे आखिरी में हूँ। और यार सो दोस्तों आपको जैसे बोला ना सबसे पहले स्विमिंग करना पड़ेगा। चलो स्विमिंग शुरू हो चुका है, और अभी मैं आखिरी नंबर पे हूँ, और गाइस ये रेस ना 7 बंदे का हो रहा है। चलो चलो भाई मैं पहुंच सकता हूँ। अरे प्राची भैया आप 7 नंबर पे हो, आपको 1 नंबर पे जाके 1 करोड़ रुपए लेना ही पड़ेगा फ्रैंकलिन भैया। अरे यार यहाँ पे तो 8 बंदे हैं, मैंने गाइस लगता है गलत देखा। अरे गाइस मैं सबसे आखिरी में हूँ, अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा। काश गाइस मेरे पास कोई बोर्ड होता यार, मैंने इतना आखिरी में कैसे आ गया। अरे फ्रैंकलिन भैया जल्दी 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 करो, फ्रैंकलिन भैया ही पी बोल रहे, फ्रैंकलिन भैया ही वो पी। अरे दोस्तों आप चाहते हो मैं रेस जीतू स्विंग करके, आप क्या कर रहे हो? फटाफट वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करें, कमेंट करो फ्रैंकलिन ओपी, आई थिंक उसके बाद मेरा हौसला बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए मैं 7 नंबर से ना गाइस अभी 6 नंबर पे जाने वाला हूँ, और गाइस मैं पहुंच जाऊंगा। ऑल राइट इसको मैंने पीछे छोड़ दिया था, मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। अरे भाई चलो दोस्तों किनारे पे तो पहुंचने वाला हूँ। सो गाइस किनारे में पहुंचने के बाद ना अभी मेरे को साइकिल चलाना पड़ेगा। अरे गाइस मेरा पूरा बॉडी बहुत ज्यादा टायर्ड है, उसी हाल में मेरे को साइकिलिंग करना पड़ेगा। चलो चलो हो सकता है। अरे प्रकीण भैया ओपी, प्रकीण भैया ओपी। अरे अरे कौन सा साइकिल है? ऑल राइट फटाफट चलते, मेरा तो हाल को बहुत खराब हो रहा है भाई, मन कर रहा है ना इनको एक मुक्के में भाई गिरा दूं। अरे भाई मेरा सांसें फूल रहा है। चलो साइकिल मिल गया, चलो भाई आखिरी वाला साइकिल ही मिला, चलो फटाफट भगाते। ऑल राइट गाइस मैं 1 नंबर पे हो सकता हूँ। सो गाइस अभी सामने वाला बंदा 1 नंबर पे है, यार मैं सेकंड पे, और अभी मैं पहुंच गया 1 नंबर पे। ऑल राइट गाइस फाइनली मेरे को साइकिलिंग में कोई हरा ही नहीं सकता, मैं पूरे दिन साइकिलिंग करता हूँ सिर्फ इस रेस को जीतने के लिए। भाई आज के दिन मैं पीछे छूट गया तो भाई मेरा इतना ट्रेनिंग सब कुछ बेकार हो जाएगा। अरे अरे पैस किया, शर्ट लगता है मैं कुछ गलत ट्रैक पे आ चुका हूँ। ऑल राइट गाइस फिर से ट्रैक पे आया हूँ, लेकिन अभी 3 नंबर पे हूँ, नहीं गाइस 4 नंबर पे आ चुका हूँ। ऑलरेडी अभी जोर से भगाना पड़ेगा। अरे गाइस चलो फटाफट फ्रैंकलिन ओपी कमेंट करो, आई थिंक उसके बाद तो मैं 1 नंबर जा सकता हूँ। अरे गाइस ये दोनों तो सारे कितने ज़्यादा तेज है, अबे दोनों को पीछे छोड़ने के लिए गाइस मेरे को और जोर से करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पैर में दर्द हो रहा है और ज़्यादा एनर्जी भी बिल्कुल भी नहीं है, मैं अभी कुछ देर पहले ही स्विमिंग कर रहा था। अरे चलो गाइस और भी ज़्यादा तेज भाई, मुझे 1 नंबर पे जाना ही है जैसे करके, मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। अरे अरे यार प्लीज़ इसको पीछे छोड़ दे। ऑल राइट सेकंड पे आ चुका हूँ, अभी मेरे को 1 नंबर पे जाना पड़ेगा। अरे 1 मिनट गाइस साइकिल छोड़ के अभी लगता है मेरे को दौड़ना पड़ेगा। हाँ गाइस ये बंदा दौड़ रहा है, चलो 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 चलो। और गाइस ऊपर जो ना हेलीकॉप्टर सारे बंदे ना हमारे ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्यों गाइस ये ना पूरे जगह पे लाइव चल रहा है पूरे लॉस सैंटोस पे। सो गाइस मैं जीत गया तो मेरा हर जगह नाम बन जाएगा, और गाइस मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा ये जीत गया तो।
सो गाइस मेरे को बॉल जीतना है। एक नंबर पे वाला बंदा ना गाइस बहुत ज्यादा तंदुरुस्त है मेरे से भी ज्यादा, इसलिए बंदा एकदम दौड़ते ही जा रहा है। अरे पिद्दी कही के कसम से गाइस इसको मुक्का मारने का मन कर रहा है। अरे पिद्दी कही के तेरी बस की बात नहीं है। हाँ भाई तू चिल्ला ले, मैं एक नंबर पे आ चुका अभी। अरे अभी देखना क्या होगा तेरे साथ। अरे गाइस पीछे होके भी इतना ज्यादा धमकी, एक मिनट। हाँ बोला ना भाई, ये ना पीछे से मेरे को एकदम से धक्का मारा। ऑलराइट इसको भी मैंने धक्का मारा। भाई चलो अभी मैं पहुंचने वाला हूँ, सारे बंदे इस तरफ क्यों देख रहे हैं, कौन सी तरफ जाना पड़ेगा, इस तरफ। ऑलराइट बेटा क्या काम से तू। और नहीं 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 नहीं। सो गाइस रेस तो खत्म हुआ और गाइस मैं सेकंड रह गया। यार मेरे को कुछ भी नहीं मिला। और भाई मैंने कितना ज़्यादा सपना देखा था, एक नंबर होगा एक करोड़ मिलेगा। सो गाइस गेम का रूल्स ऐसा ही था, एक नंबर हो गए एक करोड़ मिलेगा, सेकंड पे हो गए तो नल्ला कुछ नहीं मिलेगा आपको, आप खाली हाथ घर जाओगे। और भाई मैंने मेहनत किया था इतना ज़्यादा, फिर भी नहीं जीत पाया। शिट यार सब कुछ बेकार। अरे प्रगट भैया क्या हुआ आपके लिए क्या? अरे सिंचन क्या ही बात बोलूं यार, मेरा भी पूरा मूड ही खराब हो गया। अरे सिंचन रुक जा। अरे दोस्तों मेरे को एक बात याद आ गया। अरे क्या हुआ प्रकृति भैया? सो दोस्तों मैं ना जब स्विमिंग कर रहा था, मैंने नीचे ना एक दरवाजा देखा, अंडर वाटर दरवाजा। अरे प्रकृति भैया मजाक कर रहे हो यार। अरे तेरे को भरोसा नहीं हो रहा, चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ। समुन्द्र पे यहाँ पे बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं करता, और आज गाइस मैं पहली बार करा। सो गाइस स्विमिंग करने के टाइम मेरे को दिखाई दिया एक सीक्रेट डोर, जो अंडर वाटर सीक्रेट डोर। और रिशर्ट मैंने धक्का मार दिया जोर से। चलो यार अपे। अरे सिंचन भाई तू ना मेरा पीछा कर, मैं तेरे को ले चलता हूँ अंडर वाटर सीक्रेट दरवाजा पे। अरे प्रकृति भैया आप क्या मेरे को मर पाओगे क्या? कितना नीचे आ चुके हो तो देखो यार, अब तो कसम से मर जाऊंगे हम दोनों यार। प्रकृति भैया चलो यार, कहाँ पे हो सीक्रेट डोर? मैं बहुत ज्यादा नीचे आ चुका हूँ, मैं ज्यादा देर अपना सांस रो नहीं रोक सकता। अरे यार गाइस मैं यहाँ से जब स्विमिंग कर रहा था ना, एक बार नीचे डबकी मारा और मैंने देखा यहाँ पे आसपास एक सीक्रेट डोर था। अरे अभी तो मेरे कुछ नजर नहीं आ रहा गाइस, ये पहाड़ी पे नीचे एकदम चमक रहा था। अरे यार लगता है कुछ गड़बड़ मैंने देखा क्या। अरे प्रकृति भैया ऊपर देखो क्या आप एक बार। एक मिनट। अरे सिंचन मैं तो जिसकी बात कर रहा था, ये रहा सीक्रेट डोर। भाई फाइनल मिल भी चुका है, बहुत बढ़िया गाइस, मैंने सोचा था नहीं मिलेगा। अरे सिंचन फटाफट यहाँ पे आ, तेरे को अभी दिखाता हूँ सीक्रेट डोर सच में होता है। अरे प्रकृति भैया इसके अंदर है क्या? अरे कसम से यार प्रगल भैया क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो आप? मेरे को सच में यार बच्चे समझे हो क्या? हमेशा जो बोलोगे क्या वही मान लूंगा मैं। अरे यार ये तो सच में प्रगल भैया। अरे 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 भाई, अरे मैंने तेरे को बोला ना सीक्रेट दरवाजा सच में। सो गाइस ये है अंडर वाटर सीक्रेट डोर, और मेरे को पता नहीं ये भाई किसके अंदर कौन रहने वाला है। लगता है इसके अंदर कोई जादुई एनिमल भाई, कोई समुंदरी राक्षस और कुछ भी हो सकता है, कोई डोरेमोन। अरे प्रगल भैया कुछ नहीं है भाई, मेरे को लगता है एक टूटा दरवाजा ऊपर से नीचे गिर के यहाँ पे फंस चुका है। अरे नहीं प्रकृति भैया चलो ना इसको ओपन करके देखते हैं, मजा आ जाएगा, मैं तो एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा। चलो गाइस प्रकृति भैया चलो 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 मजा आएगा। अरे भाई इसके अंदर कोई खूंखार जानवर निकल गए तो? अरे प्रकृति भैया सबसे पहले आप जाओ। ठीक है सबसे पहले मैं जाता हूँ, उसके बाद जिंदा आया तो तू जाना। ओके एक मिनट। अबे यार अचानक से पूरा आगे कैसे भाई? ये तो वही डोर है भाई, ये कोई टेलीपोर्ट डोर है भाई, ये कोई नॉर्मल डोर बिल्कुल भी नहीं है। एक मिनट यहाँ पे इंसान कैसे है? और देख के लगता है इन सब को कोई पानी का फर्क ही नहीं पड़ रहा। गाइस मैं इसके अंदर स्विमिंग कर रहा हूँ और ये ना मजे से तैर रहा है, सोया पड़ा है। और ये ना कोई सीक्रेट बेसमेंट मेरे को लग रहा है भाई, हर जगह कंप्यूटर बंदे सब क्या ही काम कर रहे हैं। लगता है गाइस ये सब ना कोई सीक्रेट एजेंट है, मेरे को लगता है। गाइस देखो ये बंदा काम करते ही जा रहा है, मेरे को लगता है ये कोई ऐसे बंद काम कर रहा है जो काम पानी के अंदर हो सकता है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट काम जो मैंने गाइस फाइनली ढूंढ लिया। मैं अकेले तुम्हारा दोस्त फ्रैंकलिन। भाई मेरे को भरोसा नहीं हो रहा, पानी के नीचे कोई ऐसा काम भी हो सकता है। भाई साहब गाइस देखो कितने सारे बंदे कंप्यूटर लेके सब बैठे, लेकिन भाई इनके कंप्यूटर खराब क्यों नहीं हो रहा भाई? इसके अंदर तो पानी जाना चाहिए। लगता है गाइस वो चीज ऐसे ही बना है जो कुछ ना हो। अबे यार गाइस देखो यहाँ पे भी बहुत सारे बंदे सोए पड़े हैं, कुछ बंदे कॉफी खा रहे हैं। भाई पानी के अंदर ये सब कैसे मुमकिन है? मैं तो अभी भी समुद्र की तरह तैर रहा हूँ। अरे गाइस सिंचन के देख लिया तो सिंचन तो पूरा पागल हो जाएगा, वो अपने दोस्त फ्रेंड लोग स्कूल का हर एक बंदे को बता देगा। चलो गाइस एक बार नीचे जाके देखते हैं कितना ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे चलता क्या है। सो गाइस यहाँ पे ना फेस शिप बना रहा है मेरे को लगता है। एक मिनट ये तो एलियन का वो है।
हाँ गाइस ये तो एलियन का शिफ्ट है मेरे को ही लगता है। अरे ये क्या सारे के सारे बंदे एलियन है, ऐसा भी हो सकता है गाइस ये दास छुपके छुपके अपना पेस्ट बना रहे हैं। अरे चलो ऊपर चलते हैं। अरे गाइस मेरे को अभी पूरा शक नहीं हो रहा, मुझे पूरा भरोसा है ये सारे इंसान ने, ये सारे के सारे एलियन है सारे ना गाइस अंडर वाटर काम करके भाई हमारे दुनिया को कब्जा करना चाहते हैं। सो गाइस फटाफट में ऊपर जाके सारे बंदों को खबर देता हूँ, हमारे यहाँ पे ना अंडर वाटर एलियन आ चुके हैं, उनके पास एक सीक्रेट टेलीपोर्ट डोर है। चलो गाइस ये वीडियो पे एंड होता है, वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल सबको बताने।